देवास जिले के नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा लगातार सक्रियता से कार्य किया जा रहा है, इसी के चलते क्षेत्र में औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। बुधवार के दिन कलेक्टर ऋषभ गुप्ता हाटपिपलिया और बागली क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र भवन और शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर के दौरे के चलते प्रशासन विभागों में पूरी दिन खलबली मची रही। कलेक्टर ने बताया कि कई स्थानों पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलित होती पाई गई और जहाँ पर कुछ कमियां पाई गई, संबंधित अधिकारियों को उनके सुधार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय के बाद कलेक्टर के इस प्रकार का दौरा देखा जा रहा है। हालांकि आम जनता ने दौरे को लेकर चर्चा भी की है। इसी प्रकार औचक निरीक्षण ग्रामीण क्षेत्र में यदि वरिष्ठ अधिकारी करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार शासकीय व्यवस्थाओं में हो सकता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। नॉर्मल एक भ्रमण था हाटपिपलिया क्षेत्र का, बागली क्षेत्र का, तो उसी के अंतर्गत हमारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, उन सब इशूज़ को लेकर भ्रमण किया गया। मैक्सिमम जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं, कुछ एक जगहों पर कुछ कमियां पाई गई हैं, तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है उन कमियों को दूर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।